इसकी भारी बिकवाली से भारतीय शेयर मार्केट में हाहाकार मचा हुआ। इसके बावजूद ब्रोकरेजेस का घरेलू शेयर बाजार को लेकर रुख पॉजिटिव बना हुआ है। दिग्गज ब्रोकरेज फर्म HSBC ने सेंसेक्स में 15% की छलांग का अनुमान जताया है। इनकी ये रिपोर्ट बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये हमें बता रही है कि गिरावट के इस दौर से जब बाजार निकलेगा तो फिर किस तरह का आप एक्शन यहाँ पर देखेंगे, क्या संकेत अभी मिल रहे हैं। तो HSBC ग्लोबल रिसर्च ने अनुमान ये बताया है कि अगले साल के आखिर यानी दिसंबर 2025 तक सेंसेक्स 90,520 अंक पर पहुंच सकता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स मंगलवार को 77,578 अंक पर बंद हुआ है और इस हिसाब से सेंसेक्स में 15% से ज्यादा के उछाल की संभावना इस रिपोर्ट में जताई जा रही है। हालांकि ये HSBC के पुराने टारगेट से कम है। रिसर्च फर्म ने पहले कहा था कि सेंसेक्स 1,00,000 को क्रॉस कर जाएगा, यानी 1,00,000 से ऊपर का टारगेट इन्होंने दिया था। कंपनियों के नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे और हाई वैल्यूएशन का हवाला देते हुए अब हम देख रहे हैं कि टारगेट को इसने कम किया है। इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि वो 15% की तेजी तो देख रहे हैं लेकिन प्रति शेयर कमाई में गिरावट से ग्रोथ कुछ नीचे खिसक गई है, पर अब भी मजबूत और अधिक टिकाऊ स्तर पर बनी हुई है। HSBC ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दूसरी तिमाही में कमाई कमजोर रहने के बाद तीसरी तिमाही की शुरुआत भी धीमी हुई है। 60% से ज्यादा कंपनियों के लिए पूरे साल की कमाई के अनुमान में कटौती की गई है। संभवतः भारत बीते कुछ सालों की तुलना में धीमी वृद्धि की राह पकड़ चुका है। कमाई गिरने की वजह से निवेशक अपनी पोजीशन को रीइवैल्यूएट कर रहे हैं, यानी नए सिरे से सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए। इससे भारतीय शेयरों के लिए निकट भविष्य में जोखिम पैदा हो रहा है। फर्म ने अपनी रिपोर्ट में लार्ज कैप को लेकर चिंता जताई है। आमतौर पर विदेशी निवेशक इनमें ही निवेश करते हैं। मिड और स्मॉल कैप शेयर लार्ज कैप के मुकाबले तेजी से वृद्धि करेंगे और मिड और स्मॉल कैप शेयरों के 30% की रफ्तार से बढ़ने की उम्मीद भी जताई जा रही है, जबकि लार्ज कैप शेयरों में सिर्फ 12% की दर से एक बढ़त आ सकती है। HSBC ने एशिया के लिए इन्वेस्टमेंट आउटलुक पर अपनी रिपोर्ट में अगले साल के लिए अपने टॉप स्टॉक्स में 2 भारतीय शेयरों एक्सिस बैंक और किम्स को चुना है। उसका मानना है कि एक्सिस बैंक की वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव है और बैंकिंग सेक्टर के अंदर उसकी मार्केट पोजीशन मजबूत है। एक्सिस बैंक का शेयर मंगलवार को 0.64% बढ़कर 1,133 रुपए पर बंद हुआ था। पिछले एक साल में एक्सिस बैंक का शेयर करीब 15% चढ़ा भी है। किम्स यानी कि कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को लेकर फर्म का कहना है कि इसे भारत के पूंजीगत खर्च में वृद्धि और हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए डिमांड बढ़ने का फायदा मिलेगा। शेयर बाजार को लेकर एनालिस्ट भी बुलिश होने लगे हैं। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल का कहना है कि घरेलू बाजार में गिरावट की एक मुख्य वजह घरेलू कंपनियों की कमाई में जो गिरावट आई है, लेकिन ये अस्थायी चीज है। कंपनियों के लिए आय में सुधार करना एक चुनौती है। शायद कमाई में सुधार आने से 6 महीने लग सकते हैं लेकिन सुधार जरूर होगा और निवेशकों को अभी धैर्य रखना चाहिए और इंतजार करना चाहिए। विदेशी निवेशक आज इक्विटी मार्केट से बाहर निकल रहे हैं लेकिन जब वो वापस लौटेंगे तो उन्हें पुरानी कीमतें नहीं मिलने वाली। शायद जब वो वापस आएंगे तो निफ्टी इंडेक्स जो है वो 30,000 को पार कर चुका होगा या 30,000 के आसपास होगा। शेयर मार्केट में मचे हाहाकार ने छोटे खास करके नए निवेशकों की नींद जरूर उड़ा दी है। कई नए इन्वेस्टर्स बाजार में इस तरह की गिरावट पहली बार देख रहे हैं। हालांकि बाजार की गिरावट से घबराने की जरूरत नहीं है बल्कि धैर्य रखने की जरूरत है। बाजार की गिरावट में अच्छे शेयर सस्ते में खरीदकर ये कमाई का मौका भी बन सकता है।